बिन तुम्हारे गुरुजी दो कदम न चल पाऊंगी, तुम साथ हो गुरुजी तो हर तूफान से लड़ जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी आप सबको भी मेरा सुमनान जी का प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, जो भी तेरी परेशानियां ने ओ हुन दूर होन दा वेला आ गया है, वक्त ओखा लगदा है पर सब कर्मा दा खेल है। हाँ जी, सब कर्मों का ही खेल है। संगत जी आप निराश मत होइएगा, सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी बिल्कुल पक्की बात है आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश इस सत्संग में भेज रहे हैं। आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और जो भी परेशानियां हैं गुरु जी के चरणों में डाल दीजिएगा, गुरु जी अपने आप ही सॉल्यूशन भी देते हैं। और संगत जी इस सत्संग में मैं आपके साथ 3-4 सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग दिल्ली से भी है, गांधीधाम से, देहरादून से भी है, तो आप पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरु जी ने ये ब्लेस्ड सत्संग आपके पास तक पहुँचाया है, इसके पीछे जरूर ही कोई रीज़न है ना। हम आलस कर जाते हैं, सत्संग को पूरा नहीं सुनते, अब यही हमारी परीक्षा भी हो जाती है। संगत जी आप देखिए, गुरु जी जरूर जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता बना देंगे। सत्संग को सुनते सुनते ही हमारे बहुत सारे कार्य निमट जाएंगे। जितनी भी संगत है, जो गुरु जी की सच में संगत है, उस संगत ने महसूस किया होगा कि हाँ, टेलीपैथी के द्वारा गुरु जी हमसे बात करते हैं, हमारे अंदर धैर्य पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सब्र आ गया है ना। तो ये गुरु जी का करिश्मा है जो इतना परिवर्तन हम सबके अंदर आ गया है। तो जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले ये दिल्ली से है, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं तो शेयर कर ही रही हूँ, आप संगत परिवार से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा सुन के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि जब भी अपना कोई सत्संग शेयर करो तो जर अपना शुरू से स्टार्ट करो। तो गुरु जी के साथ हमारी जर्नी 2023 रक्षाबंधन वाले दिन से शुरू हुई थी और माध्यम बनाया था गुरु जी ने मेरी भाभी को, उन्होंने हमें बताया था गुरु जी के बारे में और पहली बार वही हमें लेकर गई थी। तो उसके बाद हम गुरु जी के बड़े मंदिर में हर हफ्ते जाते थे, मंडे के मंडे। और उसके बाद गुरु जी ने जैसे कहते हैं ना, आपने सब कई सत्संग सुने होंगे तो उसमें कई आंटी जी ने बताया होगा कि गुरु जी जब से उनकी लाइफ में आए तो वो एकदम से टेंशन फ्री हो गई हैं। पहले वो जैसे फिक्र करती थी, छोटी छोटी बात पे टेंशन लेना, वो सब अब नहीं है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मतलब कि कैसे सब कुछ, प्रॉब्लम आती तो है, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती, कैसे सोल्व हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। बस वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ और एक दो सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं बीच बीच में सुनाऊंगी आपको सत्संग। मेरे को कुछ ठीक तरह से तो, जैसे कई आंटी सुनाती हैं कि मेरा पहला है सत्संग, दूसरा है, तो ऐसे मैंने ज़्यादा तो नहीं शेयर किए, तो मैं बीच बीच में जो जो मेरे को याद आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, जर्नी स्टार्ट होने के बाद जब करवा चौथ आया था, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने अंकल जी के साथ मार्केट गई थी सामान खरीदने, कुछ चूड़ियाँ वगैरह। तो चूड़ियाँ वगैरह मैंने ले ली, जो सामान मेरे को चाहिए था, माता जी के मंदिर में, जो माता रानी के मंदिर में जो चढ़ाना होता है श्रृंगार का सामान, वो भी मैंने ले लिया। और कुछ ना, मतलब कि मैंने अपना भी जो मेरे को चाहिए था वो भी मैंने ले लिया। तो मैं ना अपनी ना अंगूठी वगैरह, मेरा मन तो था कि मैं लूँ अपनी रिंग वगैरह, लेकिन पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे तो मैंने कहा चल छोड़ कोई बात नहीं। तो जब हम वापसी घर में आ रहे थे, तो रिक्शे पर बैठे हुए थे, तो मेरे मन में ना यही चल रहा था, मन में मैंने यही सोचा कि बस रिंग रहती है, अरे बस रिंग भी अगर मैं मिल जाती ना तो कितना अच्छा होता ना। तो बस मैं यही मन में सोच रही थी और मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसे ही तैयार हो जाऊँगी सिंपली। तो जब मैं घर आई तो मैं घर आकर ऐसी बैठी हुई थी बेड पे और मेरे अंकल अलमारी में ना कोई सामान देख रहे थे।
तो पीछे अलमारी के जो ऊपर वाला ड्रॉर होता है, तो वो उन्होंने खोला, तो वहाँ ना पॉलिथीन उन्होंने, कोई उनको पॉलिथीन दिखी तो वो पॉलिथीन उन्होंने मेरे सामने फेंकी। तो कहते इन्होंने मुझे बोला कि ये देखिए क्या है, तो मैंने कहा ये क्या है, कहते तो देख। तो जब मैंने खोला तो उसमें मेरे कितनी सारी रिंग पड़ी थी, इतनी अच्छी अच्छी रिंग मैं आपको बता नहीं सकती। वो मैंने कब ली थी, मेरी दीदी के लड़के की शादी थी तब मैंने खरीदी थी, और मैं खुद ही उसमें कितना सारा सामान था, कितनी 5-6 रिंग थी, सेट था, चूड़ियाँ थी, कड़े थे, कितना कुछ था, और इतने प्यारे थे वो, मैं खुद ही रख कर भूल गई थी, मैं भूल गई थी कि मेरे पास इतनी सारी रिंग पड़ी है। तो ये कहते हैं वो देख, तो मैंने जब मैंने देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा गुरुजी आपने, मतलब मैं मन में ही सोच रही थी कि मेरे पास रिंग अगर मिल जाती तो आपने इतनी सारी रिंग मेरे सामने रख दी कि ये ले पहन, सारी उंगलियों में पहन, मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि जैसे मैं आपको बता नहीं सकती उस समय मेरे को जितनी खुशी हुई थी। एक तो वो, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी को करती हूँ कि गुरुजी कैसे अपने सारे बच्चों की दिल की बातें सुन लेते हैं। सॉरी संगत जी, मतलब कि गुरुजी अपनी सारी बच्चियों की, सारे बच्चों की मन की बातें कैसे जान लेते हैं, और जो उनके लिए सही होता है वो पूरा भी कर देते हैं। और उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी ने कैसे मेरी विश पूरी की थी। और कुछ पीछे ना 2-3 महीने से क्या हुआ संगत जी, मेरे ना जीभ पक रही थी, जीभ में छाले हो रहे थे, मतलब इस तरफ पक जाती थी, छाले हो जाते थे, तो हफ्ता लग गया था ठीक होने में, ना मैं खा सकती थी, ना मैं ढंग से किसी से बात कर पा रही थी, मतलब बहुत पेन हो रहा था। उधर ठीक होती थी तो फिर 3-4 दिन बाद जीभ के इस तरफ हो जाती थी, पक जाती थी, ऐसे 2-3 महीने से लगातार हो रहा था। तो फिर मेरे मन में आया, फिर एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैंने कितने सत्संग सुने हैं, सत्संग सुने हैं गुरुजी के, तो उसमें मैंने गुरुजी के चंदन के बारे में सुना, चंदन तिलक के बारे में, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं वो लगाती हूँ। तो मेरी जीभ फ्रंट से ना पकी हुई थी, तो फिर मैंने ना वो 2-3 दिन मैंने वही लगाया, चंदन तिलक जीभ पर लगाया। और इसी बीच 2-3 दिन जब मैंने सुबह शाम ये लगाया चंदन तिलक जीभ पर जहाँ पकी हुई थी, तो इसी बीच मैंने एक बार शाम को क्या किया, मैंने 2 आइसक्रीम मंगवाई और गुरुजी के सामने रख दी। तो मैंने कहा गुरुजी ये आप खा लो, पता नहीं मेरे मन में कैसे आया तो अचानक ही मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आप भोग लगा दो फिर इसको मैं खा लूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे को ठीक कर देना क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि मेरे मन में ना कुछ और डाउट हो रहा था कि 2-3 महीने से कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, इधर ठीक होती है जीभ इस तरफ पक जाती है, इधर ठीक होती है इस तरफ, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका नाम लेते भी तो डर लगता है। और मैंने गुरुजी को बोला कि आप भोग लगा लो उसके बाद मैं खा लूँगी। तो जब उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने आइसक्रीम उठाई और मैंने खाई, तो मुझे मेरे अंदर से आ रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और वैसा ही हुआ संगत जी। सुबह मेरा 60-70% तो मेरे वैसे ही मेरे को आराम आ गया, और 2-3 दिन के अंदर तिलक तो मैं वैसे ही लगा रही थी सुबह शाम चंदन तिलक, तो आप यकीन नहीं मानोगे 2-3 दिन के अंदर मेरी पूरी जीभ जहाँ जहाँ से पकी थी एकदम ठीक हो गई। और उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा कि 2-3 महीने से हो रहा था कंटिन्यू, और जैसे मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जीभ में कोई नहीं, मेरी बार बार नहीं पकती, छाले नहीं होते। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी का, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु जी। और ये मेरे अंकल जी को ना कमर में दर्द होता था बहुत, जैसे झुकते थे तो दर्द होता था बहुत ज़्यादा उनको कमर में पेन। तो हम ना सारी विद फैमिली, मेरे बच्चे भी, मेरे अंकल और मैं भी, हम सब गुरु जी का ना जल प्रसाद पीते हैं सुबह शाम, तो इससे मेरे अंकल जी का ना कमर दर्द भी ठीक हो गया, अब उनको दर्द नहीं होता। जैसे ज़रा सा कोई काम करते थे थक जाते थे, और वो भी अब नहीं है, ठीक हो गया है। और कुछ ना मैं सत्संग सुनती थी उसमें ना गुरुजी ना मेरे को बार बार ना वीट ग्रास का सुनवा रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे, क्योंकि मैं इग्नोर कर देती थी, लेकिन जब भी मैं सुनती थी ना थोड़े थोड़े दिन के गैप में मेरे को सत्संग में ना वीट ग्रास का, मेरे को जब मैं सुनती थी तो मुझे लगता था गुरुजी मेरे को ये इशारा दे रहे हैं कि वीट ग्रास पीना शुरू करो तुम भी। तो मैं वीट ग्रास लेकर आई हूँ, वो सारे पीते हैं। मेरे जो बेटा है उसके ना पेट साफ नहीं होता था, मतलब वो थोड़ा सा खा लेता था, उसको ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितना कुछ खाया है, उसका पेट एकदम ऐसे, बड़ी एक्सरसाइज करता था, पार्क में जाता था, मतलब जाता है अभी भी, और उसको ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जब वीट ग्रास पीना शुरू किया, हाँ उसको अब इतना पेट भी उसका साफ हो जाता है, और उसको जो भी है प्रॉब्लम थी कब्ज़ की, जो मतलब सब ठीक हो गया उसका, अब खाना भी खाता है, बल्कि अब तो वो ये कहता है कि अब मैं अब खाना भी खाता हूँ ना मम्मी,
मतलब कि जितना भी खा लूँ ना, बाद में ऐसा लगता है कि जैसे मैंने भी कुछ खाया नहीं, पेट खाली है। और पहले अगर एक रोटी भी खा लेता था तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितना कुछ खा लिया है। तो आप देखिए ना शंकर जी, गुरु जी अपने हर बच्चे की प्रॉब्लम जानते हैं और उसका सोल्यूशन भी हमें सत्संग में ही देते हैं। और सही सही कहते हैं संगत की, संगत जी सही कहते हैं कि गुरु जी अपनी सारी संगत को सत्संग में ही उनका जवाब देते हैं, क्योंकि गुरु जी को अपने हर एक बच्चे की परेशानी पता होती है कि मेरे बच्चे कौन से बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है। तो इसलिए सारे सत्संग बड़े ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि उसी में हमारे जवाब होते हैं। और एक गुरु जी ने मेरे को ये बोला था कि अपने बच्चे, मतलब कि पान के पत्तों वाला मैंने सुना था, बार बार आ रहा था, तो पान के पत्ते लेने हैं, 5 पान के पत्ते लेने हैं। और उसको उससे पहले 5 पान के पत्ते लेकर पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर मथा टेकना है, और फिर उसके बाद बच्चों के ऊपर से 7 बार वार कर उसे पानी में बहा देना है, चलते पानी में बहा देना है। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही किया, मैंने वो भी करके आई, तो पान के पत्ते लिए, अपने बच्चों के ऊपर से 7 बारी वारे, 5 5 पान के पत्ते लिए थे, और मैंने बच्चों के ऊपर से 7 बारी वार के अपना पानी में बहा दिए। उसके बाद जब मैं घर आई, और आप आने ही नहीं, आते ही जब मैं आई तो मेरे को सॉरी संगत जी, बीच में फ़ोन आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो जब मैं पानी में वो पान के पत्ते बहा कर आई संगत जी, तो आते ही जब मैं घर आई तो मेरे को शाम तक मेरे को मैसेज आ गया कि सारी बुरी नज़रा उतार देती हैं। तो मुझे, मैं एकदम से हैरान हो गई कि मतलब कि गुरु जी कैसे एकदम से रिप्लाई कर देते हैं। गुरु जी सब देख रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा मेरा बताए उपाय कर रहा है, और एकदम से उनका रिप्लाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद गुरु जी ने मेरे को ये भी बोला था कि 7 मंगलवार हनुमान जी को चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं, और मैंने वो भी किसी सत्संग में सुना था, किसी आंटी जी ने बताया था कि उनको भी गुरु जी ने ये आदेश दिया था कि 7 मंगलवार हनुमान जी को चूरमे के लड्डू चढ़ाने। तो उन्होंने बोला था कि मेरे को चूरमे के तो मिले नहीं, उनके यहाँ नहीं मिलते होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं बूंदी के लड्डू चढ़ा दूँ, तो गुरुजी ने कहा कि बूंदी के लड्डू भी चढ़ा सकते हो। तो फिर मैंने भी वही किया, तो मैंने भी, यहाँ भी हमारे चूरमे के लड्डू नहीं मिलते, तो मैंने भी बूंदी के लड्डू चढ़ाए। और आपको एक और बात बताती हूँ संगत जी, मतलब कि मैं जैसे हम चढ़ा रहे हैं गुरु जी के आदेश के अनुसार, जैसे हर मंगलवार को, तो आपको ये बता दूं कि जब मंगलवार आना होता है ना, तो मंडे रात को ही, मतलब मंडे को ही, चाहे सुबह दोपहर शाम तक रात तक ये मैसेज आ जाता है कि कल मंगलवार वाला जड़ा तुसी काम करना है वो कर लेना, मैं पहले ही याद दिला रहे हैं, मंगलवार वाला काम जड़ा कल कर लेना याद देना, मैं पहले याद दिला रहे हैं। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ सुन के कि गुरुजी कैसे याद दिला देते हैं कि कल जो ये तुमने प्रसाद चढ़ाना है वो याद से कर लेना, मैं पहले ही तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तो मैं उसके लिए गुरुजी को बोलती हूँ लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आप अपने बच्चों को कैसे याद दिला देते हो कि भूल ना जाना, ये काम करना है, ये उपाय करना है। तो उसके लिए मैं गुरुजी, बस बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, संगत जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। बस गुरुजी को दिल से मानो, सरेंडर करो, पूरी आस्था रखो। अगर गुरुजी अगर किसी काम में देरी लगा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका काम भी बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी कभी भी वो चीज़ नहीं हमें देंगे जो हमारे नुकसान में, जिससे हमारा नुकसान हो, क्योंकि गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही हो। और ये नहीं कि अगर काम में देरी हो रही है, कई संगत ऐसे बोलते हैं ना, मैंने मतलब कि कई ऐसे बोल देते हैं लोग, मैं भी पहले ऐसे बोलती थी कि हाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा इतना, लेकिन मैं भी सत्संग सुन सुन के, पहले मेरे में सब्र नहीं था, ऐसा क्यों नहीं रहा, लेकिन सब्र भी गुरु जी ने ही मेरे को दिया है, मेरा बहुत सब्र वाली हो गई हूँ। और मेरे भी मन में आता है कि गुरु जी जितना मर्जी टाइम लो, लेकिन बस एक बारी जब खुशी दोगे तो परमानेंट देना, मतलब कि बहुत दुख देख लिए अब, और नहीं, बस और नहीं गुरु जी, और नहीं देखे जाते। अब जब भी खुशियां झोली में डालोगे परमानेंटली डालना। और बाकी सभी अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सारी जो भी हैं, जिनके लिए जो जो अच्छा है उनको दीजिए।
सबकी सुनो, सबकी नेड़े होके सुनो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरो, सबके कष्ट दूर करो। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। और आखिर में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। तो ये था दिल्ली से आंटी जी का सत्संग, और इन्होंने फर्स्ट टाइम ही गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल पर सत्संग शेयर किया है, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो है लुधियाना से। जय गुरु जी। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद, सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग, इससे पहले मैंने भी भेजा था। कल मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन शायद गुरु जी को ये मंजूर नहीं था, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो आज फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। क्योंकि जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि क्या बोलना है क्या नहीं। ये तो गुरु जी की प्रेरणा से ही होता है, हम जो बोलते हैं। अब गुरु जी मुझे जो बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैं वही मेरे शब्द होंगे संगत जी। पिछले हफ्ते की बात है, आई थिंक लास्ट मंडे की बात है, मुझे एक मैसेज आया गुरु जी का कि तूने मेरी परीक्षा ले ली, अब मैं तेरी परीक्षा लूँगा। मेरी परीक्षा में पास होना, मैं तेरे साथ हूँ, डरना मत। तो मैं तो एकदम से, मेरा ना दिमाग सनक गया कि गुरु जी मैंने तो आपकी कोई परीक्षा नहीं ली। हाँ, हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेके हमारे दिमाग में आ ही जाता है कभी कि हाँ गुरु जी काश ऐसा हो जाए, तो शायद हमसे गलती हुई है, माफ़ कर दीजिए गुरु जी। तो मेरी उस दिन परीक्षा हुई, वाकई हुई परीक्षा। मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह 500 रुपीज़ दिए थे कि ये घर खर्च के लिए हैं, तो मतलब वो जाने से पहले थोड़े बहुत अपने पॉकेट में ले जाते हैं और बाकी घर खर्च के लिए छोड़ जाते हैं। तो चेंज नहीं थी शॉप में नीचे, तो उन्होंने बोला था कि मैं थोड़े से मतलब 100 रुपीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, तो बाकी के 400 रुपीज़ तो बाद में ले लेना, मेरे देवर की दुकान है वहाँ से ले लेना। मैंने कहा ठीक है, उसके पास उस वक्त चेंज नहीं थी। बाद में जब मैं अपनी डॉटर को स्कूल से लेने जा रही थी, तो मैंने उससे बोला कि भैया मेरे को बाकी जो पैसे हैं वो दे दो, क्योंकि स्कूल से लड़की को जब पिक करती हूँ तो रास्ते में बच्चा कुछ ना कुछ खाने की ज़िद करता है। तो मैंने उससे 400 रुपीज़ वापस ले लिए। 400 रुपीज़ लेने के बाद मैं उसके स्कूल चली गई। रास्ते में मेरी लड़की ने एक कुल्फ़ी खाई और बाकी पैसे मेरे पर्स में ही थे। छोटा मतलब छोटा स्मॉल पर्स मैं अपने हाथ में रखती हूँ वैसे डेली बेस पे। तो घर में लाकर वो पर्स मैंने मोस्टली टेबल पे ही रख देती हूँ। टेबल पर एक छोटा सा ड्रॉअर है, मैं उसी में रख देती हूँ। तो काफ़ी टाइम से वहीं रखती हूँ, तो वहीं रख दी है। शाम को मैंने कपड़े धोने थे, मैंने कपड़े धोए, उसके बाद ड्रायर करके मैंने कपड़े, मतलब जैसे हम ड्रायर कर देते हैं, ड्रायर करके मैंने एक जो टोकरी होती है जिसे हम पंजाबी में टोकरा बोलते हैं, उसमें कपड़े रखे थे। वो कपड़े पड़े थे, मैंने कहा रात हो गई है, टाइम ज़्यादा हो गया, चलो मैं सुबह ही सूखने के लिए डालूँगी, रात को नहीं डालती। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड जब आए तो पहले मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन जब जैसे ही वो घर में उनकी एंट्री हुई, तो वो थोड़ा गुस्से वाले हैं संगत जी, मतलब जैसे शॉर्ट टेम्पर हैं,
मेरे को ना ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलती नहीं, हम दोनों में बहस भी हो जाती है, गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन फिर भी दिल में उनके लिए लेकर ना थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ घर में कलेश ना हो। तो संगत जी उनको देख कर ही जस्ट मेरे माइंड में एकदम से थॉट आया, हाय वो 400 रुपीज़ वाला पर्स नहीं मुझे मिल रहा, यहाँ रखा था, मैं तो वही यही रखती हूँ, कहाँ गया पर्स। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने हर जगह वो पर्स ढूंढा। अपने हस्बैंड को पानी दिया मैंने जस्ट, उसके बाद मैंने पर्स ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी नज़रें भी मेरी तरफ़ देख रही थी कि ये क्यों परेशान हो रही है, ये कुछ ढूंढ रही है, लेकिन उन्होंने मुंह से नहीं पूछा या गुरुजी ने बोलने नहीं दिया। मैं बड़ी मतलब टेंशन में थी, हाँ ये पूछ ना ले पूछ ना ले, क्योंकि उन्हें ना उनकी एक आदत है कि उन्हें जो चीज़ उनके मुँह से निकल गई ना एग्जैक्ट उन्हें उसी टाइम पर वो चीज़ एट प्रेजेंट टाइम पर चाहिए, तो अगर ना मिले तो फिर वो समझ सकते हैं आप संगत जी। तो मेरे को यही डर था अगर एकदम से नहीं पर्स, उन्होंने पैसे मांगे भी हाँ तूने चेंज ले ली थी, अगर मैंने कहा कि नहीं मिल नहीं रहे पैसे मैं रख के भूल गई हूँ या कुछ, तो वो गुस्सा हो जाएंगे संगत जी। मैं बड़ा डर रही थी बड़ा डर रही थी। तो मैं इसी टेंशन में मैंने कहा चलो, मैंने बड़ा ढूंढा मुझे नहीं मिला, मेरे दिमाग में आया, मैंने फिर गुरुजी के आगे पर्ची डाली कि गुरुजी मतलब पैसे हैं या नहीं, तो गुरुजी का आंसर आया कि हाँ पैसे घर में ही हैं। मेरे को थोड़ा सा हौसला हो गया, चलो मिल जाएंगे, मुझे विश्वास है गुरुजी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि मतलब एक बार मैंने मेरी अपनी देवरानी से लेकर ना पैसे अपने हस्बैंड को दे दिए, 400 रुपीज़ दे दिए कि हाँ मैंने ये चेंज ले ली थी, तो वो दे दिए। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि तुम गूगल पे कर दो, मेरी देवरानी से लेकर मैंने ऐसे ऐसे पैसे दिए हैं, तुम उसको गूगल पे कर दो 400 रुपीज़। उसने कहा दीदी मैं अभी कर देती हूँ, उसने कर दिए जस्ट। अच्छा संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखिए, जैसे ही उसने गूगल पे किए मेरी देवरानी को पैसे गूगल पे किए, क्योंकि देखो बहनों बहनों में तो चलता है लेन देन चलता ही रहे, तो लेकिन जो देवरानी जेठानी ये रिश्ते थोड़े से होते हैं ना जैसे शरीकेबाजी बोलते हो आप, तो कोई मेरे को ना पहले तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कोई मुझे मुंह भर के ये ना कहे मैंने तेरे लिए ये किया या मैंने तेरे किया। मैं जब भी किसी से चाहे 10 रुपये भी उधार लूँ ना तो मेरी आदत है मैं वापस ज़रूर करती हूँ। संगत जी मैंने अपनी देवरानी के तो उसी टाइम वापस करवा दिए, वो भी बोल रही थी कोई बात नहीं आ जाएंगे ये वो, मैंने कहा नहीं। तो संगत जी जैसे ही उसने गूगल पे किए मेरी सिस्टर ने, तो मैंने ऊपर आके देखा मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि वो टोकरा चेक कर। संगत जी आप खुद सोचिए कि उस वो टोकरे के मैंने दो तीन कपड़े ऊपर से उठाए तो उनके बीच में वो पर्स पड़ा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि शायद छोटा बच्चा या कोई उस मेरी गुड़िया जो छोटी है उसने रख दिए होंगे, नहीं संगत जी वो मेरे सामान को कभी टच नहीं करती, मैंने जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं की वहीं पड़ी रहती है, इतने टाइम की वो छः साल की हो गई है, तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, वो उसमें क्यों रखेगी, और रखना ही होगा तो कहीं और ठिकाना हो सकता है, वो कपड़ों के बीच में जाके क्यों रखेगी। संगत जी मुझे पक्का पक्का 100% यकीन है कि ये गुरुजी की मतलब गुरुजी ने मेरे साथ ये मेरी परीक्षा ही ली थी। तो संगत जी उसी वक्त मुझे पर्स मिल गया तो मेरी जान में जान आई, मैंने मुझे वही बात रिमाइंड हुई कि हाँ गुरुजी ने बोला था तेरी परीक्षा लेनी है मुझे, तो गुरुजी ने मेरी परीक्षा ले ली। अब ये तो गुरुजी जाने कि मैं परीक्षा में पास हुई या फेल हुई, बाकी क्योंकि हम घबरा तो जाते ही हैं, मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत डर गई थी। मेरी सिस्टर भी बोल रही थी फ़ोन पे कि दीदी आप छोटी छोटी बातों को लेकर मतलब इतनी जल्दी डिस्टर्ब मत हुआ करो, वो फाइनेंशली थोड़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए, लेकिन आप हम थोड़ा ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप लोग समझ ही सकते हो संगत जी। तो मैंने जैसे ही मुझे वो पैसे मिले तो मैंने अपनी देवरानी को बोला कि आप उसको गूगल पे मतलब वापस कर दो, जो उसने पैसे मुझे सेंड किए थे आप उसे वापस कर दो, तो उसको मैंने अपनी सिस्टर को भी वापस करवा दिए। तो संगत जी मतलब बात यह है कहने की गुरुजी ने जो बोला था गुरुजी ने वो किया, परीक्षा ली मेरी। बस आज के लिए मेरा यही सत्संग है, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, आगे गुरुजी जब करवाएंगे
अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग को भी नाम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करती हैं, आपका दिल से धन्यवाद। बहुत नेक काम कर रही हैं। गुरु जी की कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। और आगे जो सत्संग आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र से, आंटी जी ने भेजा है, गांधीधाम से और देहरादून से संगत जी के सत्संग। अब जिनके सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित होने हैं वो हो रहे हैं। आप भी अपने शुक्राना सत्संग जरूर भेजिएगा 9548842997 पर। तो जब सत्संग थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर गुरु जी का हुक्म होता है कि 4-5 सत्संग एक साथ ही शेयर कर दें। तो अब ऐसा ही हुक्म आ रहा है, तो अब गुरु जी के सत्संग मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है। गुरु जी सबको खूब खूब ब्लेस करें। जितनी भी संगत है सबके दुख दूर हों, नेगेटिविटी दूर हो और सबकी परेशानियाँ दूर हों। गुरु जी सबको खूब खुश रखें, सबके परिवार को, पूरी फैमिली को खूब खुश रखें। सुनिए सत्संग वन बाय वन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 2-3 दिनों से गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि सत्संग कर, पर सॉरी गुरु जी, मैं अपने घर में सत्संग नहीं कर सकती। पहली बात तो मुझे सत्संग करना ही नहीं आता। रिसेंटली सत्संग सुन सुन कर इसका मतलब समझ रही हूँ और शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश से शेयर करने की हिम्मत जुटा रही हूँ। सो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करना। हम 3 बहनें हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। हम 3 बहनें एक दूसरे से बातें शेयर करते रहते हैं। इन्हीं दिनों मैंने अपनी बहनों से गुरु जी से जुड़ने, उनके सत्संग और संगत के बारे में बताया। मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों बहनों से ज़्यादा रिलीजियस है और वह भी रोज़ गुरु जी का मंत्र जाप करती है। अभी कल शाम की ही बात है, मेरी सिस्टर जो कनाडा में है उससे बातें कर रही थी। उसकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, उसे लोअर बॉडी में बहुत पेन था। लास्ट वीक जब मैं उससे बात कर रही थी तब अचानक से उसने कहा कि अक्का सॉरी मैं फ़ोन रखती हूँ बिकॉज द पेन वॉज अनबेरेबल एंड आई थिंक आई विल हैव टू रश फॉर एमरजेंसी। यह सुन मैं घबरा गई और गुरुजी को उसे ठीक करने की अरदास लगाई। दूसरे दिन वापस मैंने उसका हालचाल पूछने कॉल किया तो उसने बताया कि डॉक्टर ने रिलैक्सिंग मेडिसिन दी है और किडनी स्टोन बताया है। इट्स स्मॉलर इन डायमीटर बट स्टिल जब तक वह यूरिनरी ट्रैक से पास नहीं होता शी विल हैव टू फेस द पेन। आफ्टर चैटिंग जैसे ही मैंने फ़ोन रखा आई पुट ऑन माई ईयर प्लग्स एंड स्टार्टेड हियरिंग गुरु जी के सत्संग। संगत जी यू वोंट बिलीव, सत्संग में एक आंटी जी अपने किडनी स्टोन के बारे में ही बता रहे थे और कैसे उन्होंने जल प्रसाद लेकर अपने स्टोन से छुटकारा पाया वह भी उन्होंने बताया। जल प्रसाद के बारे में मैंने पहले भी सत्संग में सुना था बट इट डिडंट स्ट्राइक मी। प्रोबेबली गुरुजी ही इस सत्संग के माध्यम से बताना चाहते हो। नेक्स्ट डे इवनिंग आई अगेन कॉल्ड हर अप टू टेल हर अबाउट द सत्संग बट आई वॉज अमेज्ड टू हियर हर। शी सेड, अक्का यस्टरडे आफ्टर वी हैड अ चैट आई प्रेड योर गुरुजी एंड टोल्ड हिम दैट गुरुजी मेरी सिस्टर आपको इतना मानती है और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपको मानूं तो प्लीज़ गुरुजी मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो।
एंड आफ्टर प्रेयर शी सेड आई वेंट टू वॉशरूम बिफोर आई गो टू स्लीप एंड शी सेड आई वेंट टू वॉशरूम बिफोर आई गो टू स्लीप एंड गॉड अगेन द सेम पेन She said, I managed to come out of washroom and went to bed and don't know anything. She was fast asleep and said, Akka, I got up hearing my mobile ring and it's your call. I was so happy to hear her relaxed voice. She said, I think your Guruji relieved me from such stubborn pain and now I feel good. Dekhiye Sangatji, when we call Guruji, he always keeps us in his prayers and bless us abundantly. I thank Guruji from bottom of my heart for taking care of my sister and blessing her. Anantam Anantam Shukrana Guruji for being our divine support and helping us out of all hazards. Shukrana, Shukrana, Shukrana. जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी संगत जी आज गुरुवार है। आज का दिन क्या बोलूँ, अच्छा तो नहीं बोल सकती पर बहुत भारी कष्ट थे आज के दिन मेरे ऊपर। गुरु जी ने मैसेज में लिखा ही था कि आज का दिन बहुत भारी है और मैं जब टैरो सुनती हूँ कभी कभी तो उसमें भी बताया है कि आपके घर आज कोई बहुत बड़ा प्रेत भेजा है जो आपके घर में कलेश और कष्ट देने के लिए आ रहा है। तो संगत जी आज सुबह से ही ऐसा ही हुआ। वो तो पता नहीं आज मेरी नींद सुबह 3:30-4 बजे खुल गई तो मैंने सुखमणि साहिब का पाठ भी चला दिया था मेरे मोबाइल पर और जपजी साहिब का पाठ भी सुना, थोड़ा देर मंत्र जाप सुना, फिर मुझे वापस नींद आ गई। तो आधा तो पूजा हो ही चुकी थी सुबह को अमृत वेले में, तो गुरु जी ने शायद उस सब का फल भी मुझे दिया और आज मेरी रक्षा की। आज सुबह सुबह 8-9 बजे जैसे ही मैं नीचे उतरी नहा धो के तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जिगजिग हो गई और वो इतनी गुस्से में थे जैसे आज पूर्णमासी है इसलिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी संगत जी। आज शुक्रवार है, अमृत वेले में मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा गुरुवार को कल मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी कि बेटा आज जो हुआ तेरे साथ उसका शुक्राना रिकॉर्ड कर। तो संगत जी मेरा फ़ोन थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी ही रिकॉर्डिंग होती है फिर वो बंद हो जाता है, तो मैं थोड़ी ही कर सकी और फिर अब आगे की रिकॉर्डिंग आज करके बता रही हूँ। तो कल मैं ये बोल रही थी कि हम दोनों का मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हुई, उसके बाद इन्होंने हाथापाई भी की, फिर मेरे बच्चों ने बचाया और मैं फिर ऊपर चली आई। ऊपर आके मैं बालकनी में बैठी तो रोना तो आ रहा था, बाकी सामने कबूतर जो मेरे घर के सामने हैं वहाँ पे उसने कबूतर छोड़ दिए तो 7-8 कबूतर मेरे सर के ऊपर से ऊपर मंडराने लगे। कितनी बार उन्होंने सर के ऊपर से चक्कर मारा तो गुरुजी की प्रेजेंस देख के थोड़ा मन शांत हुआ। उसके बाद एक सफ़ेद बटरफ्लाई आई, एक पीली बटरफ्लाई मेरे सामने आई, मेरे कपड़ों के ऊपर से बार बार ही चक्कर मारने लगी। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस पूरी दिखाई कि मेरे बच्चे तो चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि कल बहुत बड़ा प्रेत बाधा कोई सामने से छोड़ी गई थी ब्लैक मैजिक करने वालों की तरफ से, तो गुरुजी ने बोला कि जो थोड़ी बहुत हाथापाई हुई उसमें मैंने तेरे कष्ट छोटे में करके कटवा दिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जान माल हानि भी हो सकती थी। मैंने तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर वेले वो मेरे साथ हैं और सब मेरे कष्ट
छोटे में ख़त्म करते जा रहे हैं। ट्यूसडे को जैसे ये लोग आए उसके बाद मेरी ननद आई थी घर पे और उसका मुंह चढ़ा हुआ था। उसके बाद उसका बेटा उसको लेने आया तो वो चली तो गई, मगर जो वो करके डाल के जाती है अपनी माँ को दे के जाती है, उसके बाद से पूरा माहौल ख़राब हो गया। उस दिन भी ट्यूसडे को भी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हुई। फिर वेडनेसडे को मेरा मन तो दुखी था, पर मैं जो गाय कुत्तों को बाहर पानी डालने जाती हूँ तो वहाँ गई थी तो सफ़ेद बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होके गुजरी और थोड़ी दूर मेरे को येलो बटरफ्लाई भी दिखाई थी। और मेरे आंगन में जब मैं प्लांट्स में पानी डाल रही थी तब बिल्कुल हल्दी कलर की येलो बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से होके गुजरी। शुक्राना मेरे मालिक का हर समय अंसर रहने का। गाय कुत्ते भी बाहर पहरा दे ही रहे हैं और मेरे आंगन में एक ब्लैक कलर का बी जो आता है मोटा वो भी हर समय घूमता ही रहता है। गुरुजी ने बोला है कि तेरे घर में पहरा मैंने बिठा दिया है, तो चिंता मत कर, अब ज़्यादा देर नहीं है, मई के एंड तक तेरे घर की सर समस्या दूर हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी से अरदास कीजिए प्लीज़, आप भी हमारे लिए सब ठीक हो जाए क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है। अच्छा भला माहौल होता है, सब करते धरते ये लोग आते हैं और फटाफट कैसे घर का माहौल बदल जाता है, कलेश हो जाता है, हाथापाई हो जाते, कुछ पता नहीं लगता। नहीं तो मेरे घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे सब अच्छा मिला है। गुरुजी बोल रहे हैं ना, तेरी किस्मत भी तेरी ननंद ब्लैक मैजिक से छीन रही है, जो कुछ तुझे मिलना चाहिए वो ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने किस्मत में ले रही है और जो उसकी ख़राब किस्मत है उसकी ख़राब कर्म है वो तेरी साइड डाल रही है। ऐसे सब लोग ये सब तंत्र विद्याओं के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। और तबीयत तो ठीक वैसे ही नहीं है, कभी लूज मोशन कभी वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, घबराहट तो हो ही रही है। मेरे बच्चों के ऊपर भी यही प्रॉब्लम है, सबको घर का माहौल अशांत हुआ पड़ा है, सब मुझे ही बोल रहे हैं मम्मी चुप रहो ना चुप रहो ना। किसी को कोई बात ही समझ में नहीं आ रही कि ये सब क्यों हो रहा है अचानक से, कितना इंसान चुप होकर सहन करे। अच्छा संगत जी, अरदास कीजिए आप भी कि ये सब ठीक हो जाए। बाकी गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी सब पर दया करना, सबका साथ इसी तरह से देना। मेरे मायके में भी मेरे अंकल मम्मी ये लोग सब पर कृपा करना, वहाँ पे भी झिकझिक चालू ही है, वहाँ पे भी छोटा छोटा कलेश साली करवाती ही रहती है, पता नहीं कब बुद्धि आएगी ऐसे लोगों को। चलो बाकी गुरुजी देख लेंगे। शुक्राना मेरे मालिक हर समय साथ देने का, हर समय कृपा करने का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वत का भला करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी क्योंकि गुरुजी का आदेश आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। चाहे पिछले बहुत दिन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बट फिर भी जो गुरु जी का आदेश हो वो तो मानना ही पड़ता है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं तो जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आवाज़ थोड़ी कम है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है और गुरु जी ने वादा किया कि वो हेल्पनेस करेंगे, बट अभी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ। तो बहुत छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी, मतलब मेरी गुरु जी से आज का डायरेक्ट कनेक्शन में बात नहीं हो रही क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता, तो शायद हम लोग भी गलत होते हैं, गलत चीज़ मांग लेते हैं, गुरु जी हमें वो नहीं देना चाहते या कुछ अच्छा देने की तैयारी होती है। जैसे गुरु जी तो देश में भी बोलते हैं कि तू तो एक फूल मांग ली, मैं तेरे को बगीचा देना चाहता हूँ, तो वही होता है। तो थोड़ा सा पहले गुरु जी के पास शिवरात्रि वाले दिन जॉब मिली थी, बट किसी कारणवश वो जॉब चली गई, बट उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, मतलब बहुत सारी टीम वगैरह से बात करी, गुरु जी से बोला कि गुरु जी देख लो अब आप भी क्या तुम्हें, क्योंकि जॉब थी तो खर्च आराम से हो जाते थे, बट अब जॉब नहीं है तो उसका स्ट्रेस भी है, मैं ऑलरेडी एक एंग्जाइटी पेशेंट हूँ। तो गुरु जी का बहुत दिनों से, मतलब मैं गुरु जी के मैसेजेस से कुछ नहीं सुन रही थी, मैंने कहा गुरु जी बात नहीं कर रही, क्योंकि गुरु जी ने कोई संदेश में बताया था एक कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ, गुरु जी ने वो ब्लैक मैजिक तो काट दिया। गुरु जी की कृपा से मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ब्लैक मैजिक की उस तरफ से, बट हाँ हेल्थ इशू अभी भी है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में तनाव बहुत ज़्यादा है। अपना आप तो गुरु जी ठीक कर सकते, तो गुरु जी से लड़ाई किस बात पर है, मैंने गुरु जी को, मैंने जो हमारा बुरा चाहता है तो मैंने गुरु जी का स्वरूप उनके घर पर देखा, तो मैंने बोला गुरु जी आप तो काफ़ी ओके हो, तो गुरु जी की कृपा हुई उन लोगों पे। अब मालूम नहीं कि गुरु जी उनको सर बोलते हैं कि जो गलत करेंगे कि मैं उनको जवाब दूंगा, मैं उनको सजा दूंगा,
तो विश्वास तो है गुरु जी पे कि सब अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है, बट हाँ शुरुआत टगमगा जाता है। तो जब से गुरु जी ने उनके घर पर शुक्राना सत्संग हुआ और उन्होंने मतलब गुरु जी उनके काम बनाए जा रहे हैं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, क्योंकि हमने तो ठीक है अनजाने में कोई पाप कर दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जान के कभी किसी का दिल नहीं दिखाया, पर वो लोग तो तांत्रिक क्रिया करके किसी का जीवन बर्बाद करते हैं। पर फिर भी गुरु जी अगर उनका साथ देगा तो बुरा लगता है ना कि गुरु जी हम तो आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं पर कहीं ना कहीं गुरु जी हमारे कष्ट दिखा रहे होते हैं। तो तब से मैं गुरु जी से नाराज़ हूँ, गुरु जी आप पापियों के घर पर जाकर सत्संग कर रहे हो, हमने भी मैंने भी सत्संग गुरु जी का संदेश आया था कि सत्संग करना है और फिर गुरु जी का सत्संग किया मैंने पूरा, गुरु जी ने खाने वाने का आदेश दिया कि मुझे लंगर प्रसाद भी दे रहे हाथ का खाने, मैंने वो भी बनाया और उसमें बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, बट अभी हिम्मत नहीं है तो मैं जरूर शेयर करूँगी। तो मुझे गुरु जी ने सत्संग में ओम दर्शन भी दिए, अपने तिलक में ओम दर्शन भी दिए और बहुत चमत्कार करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं कल भी कोर्ट जा रही थी तो जैसे मैं कोर्ट के निकली मुझे बहुत प्यारी चिट्ठी उसके दर्शन हुई थी, गुरु जी ने बोला मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरु जी अपना साथ ना सब दिखाते हैं, बट जब जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होते तब तक मतलब लगता ना कि ऐसा नहीं कि चमत्कार नहीं हुआ, गुरु जी ने चमत्कार किए हैं जब से जीवन में है, बट अब कुछ एक दो महीने से थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, तो गुरु जी से लड़ाई वड़ाई चलती रहती है, तो गुरु जी के पिता और बेटी का होता है तो आजकल तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैं गुरु जी से लड़ाई भी करती हूँ, तो गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा होगा, टाइम लगता है शायद। तो गुरु जी की कृपा से 1 फरवरी कोर्ट केस जल गया था, बट फिर वो ये कोर्ट केस गलत हो गया, लड़के वालों ने प्रेशराइज करके डलवा दिया मुझे, मैंने तो गुरु जी को सरेंडर कर दिया 28 तारीख को मैं जनवरी को गई थी गुरु जी के मंदिर बड़े मंदिर, और 1 फरवरी को गुरु जी ने केस डलवा दिया। गुरु जी को बोलता क्या ठीक कर दो, गुरु जी के पास से वो बीमारी भी रही, गुरु जी के विटामिन B12 की कमी है, मेरा टांग बिल्कुल नीचे पीछे जल प्रसाद में पीती थी, आजकल तो मैंने वो भी छोड़ दिया, नक्की बताऊँ रंगा जी, तो मतलब इतना डगमगा रही हूँ ना कि लगता है कि गुरु जी से पापी हो गया। फिर मुझे किसी ने बोला कि अरे वो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो तो बड़े मंदिर भी गए थे, तब से मेरा और वो हो गया कि गुरु जी यार हम लोग सही राह पे चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आ रही है, इतनी मुश्किलें आ रही है जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब रोज एक नया बोलते ना स्ट्रगल खड़ा होता है, कभी जॉब का स्ट्रगल, कभी कोर्ट कचहरी का स्ट्रगल, कभी हेल्थ का स्ट्रगल, तो मतलब मैंने कहा गुरु जी के साथ पापियों के हुए, तो कल भी मैं कोर्ट में गई तो गुरु जी की संगत मिली, तो वो मेरी भाभी लगती, तो उनकी 14 साल विवाह उनकी शादी को हो गए थे, पर वो उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, और उनकी सास भी गुरु जी को मानती है और बहू भी गुरु जी को मानती है, तो वो बोलने लगी कि देखते हैं गुरु जी किसका साथ देते हैं। मैंने पहले तो बोला गुरु जी तो पापियों के हैं, सीधा बोला मैंने, क्योंकि मेरे जीवन में मतलब आप मानोगे नहीं मेरे दिमाग में इतने गलत ख्याल आ गए, मेरी छोटी सी बेटी है सिर्फ उसके लिए जीने का मकसद आ गया, मैंने गुरु जी तो फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, मेरी बच्ची के जीवन में ना पिता का प्यार है, मेरा भाई घर छोड़ के थोड़ा जा चुका है किसी गलत तरीके के चक्कर में, तो इस चक्कर से बहुत वो होता है। पर कल क्या हुआ कि मेरी तबीयत ठीक तो नहीं चल रही थी, तनाव की वजह से बहुत स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता, दवाई मैं कभी कभी खाती हूँ, कोशिश मेरे को लगता है मैं ठीक हूँ, तो मैं दवाई भी नहीं खा रही थी, जल प्रसाद भी नहीं खेती गुरु जी का, बट क्या हुआ कल मैं सुबह जैसे उठी मेरी बेटी ना मैंने गले में गुरु जी ने मुझे गुरु जी की संगत है, मुझे पता नहीं कभी कैसे फुलाया, मुझे आज तक समझ नहीं, आज से बोला मुझे गुरु जी ने आपका नंबर दिया तो आप लॉकेट पहन रहे थे, गुरु जी मुझे रोज़ संदेश दे रहे थे कि लॉकेट को 7 मिनट जल में रख के अपने घर के सब लोगों को खिला देना और उसको तू भी पी लेना, तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब मैं रोज़ इग्नोर कर रही थी, मैंने कहा नहीं करना, जब गुरु जी सुनते नहीं थे मैं उनका कहना क्यों मानूँ, मैं उनके संदेशे भी नहीं पढ़ रही थी, तो मुझे अब आजकल ना मीन करोड़ी बाबा जी के संदेशे आ रहे और वो संदेशे और गुरु जी के संदेशे दोनों सेम होते हैं, मैंने बोला ठीक है गुरु जी अब आपको लग रहा है कि मैं आप पर विश्वास नहीं कर रहा था, मुझे मीन करोड़ी बाबा जी के थ्रू वो कर रहा था, मेरे को किसी की नहीं सुननी, मुझे विश्वास ही नहीं आप लोगों के, और फिर मैं कैसे सुनती हूँ कि 30 साल की लड़की की डेथ होगी, तो मैंने बोला भगवान जी क्या कर रहे हो आप, ठीक है कर्म है बट उन बेचारों के छोटे बच्चे रह जाते हैं पीछे तो बहुत बुरा लगता है। तो कल ना क्या हुआ, जैसे मैं सुबह उठी मेरी बेटी ने ना मेरे गले से बड़े तेज से खींचा और वो जो लॉकेट था वो निकल गया, तो मैंने इसलिए सोचा कि गुरु जी ने कोई कष्ट था जो टाल दिया, ये दूसरा मेरे मन में आया गुरु जी चाहते कि मैं लॉकेट जल में जल प्रसाद बना के उसको पिया, जो मैं नहीं कर रही थी, दो ही चीज़ें दिमाग में आई। और शाम को फिर सुबह कोर्ट गई तो गुरु जी ने सुबह तिथि रूप में दर्शन दिए, उसके बाद यहाँ पे बहुत बदतमीजी वगैरह, मैंने तो मुझ पर इतना प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप कैसे ड्रॉ करो, मैंने कहा मैं कैसे ड्रॉ नहीं करूँगा, मैंने बोला अगर आप मेरे पे ज़्यादा प्रेशराइज करोगे मैं
आत्महत्या कर लूँगी और आप लोगों का नाम लिख दूँगी। तो मुझे बोलता है तुम भीड़ में, जो करना है आप कर दो, मैं डरी नहीं। उसके बाद दूसरे जज पे गए, मैंने वहाँ भी बुलंदी से बोला कि वैसे मुझे गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं कि तू बोल। और फिर उन्होंने, वैसे तो जुलाई की डेट लगनी थी पर गुरुजी की कृपा से अगले मंडे की डेट लग गई है। फिर मुझे वो भी दी, उन्होंने मुझे बोला नहीं कि गुरुजी अभी उनका साथ दे रहे हैं पर लंबे रन में गुरुजी उनका साथ नहीं देंगे, और तुम देखना उनका क्या हाल होता है जो ये लोग कर रहे हैं ना, गुरुजी गुरुजी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि गुरुजी इनकी कष्ट काटेंगे, गुरुजी इनकी कष्ट नहीं काटेंगे, गुरुजी इन्हें ही काटेंगे। तो थोड़ा सा उम्मीद बनी। फिर उसके बाद शाम को ना मैं लॉयर के पास गई अपने दूसरे, मुझे नहीं पता कि कल कितना बड़ा कष्ट मेरे पे आने वाला था। गुरुजी मुझे बोल रहे तेरा हाई बीपी की वजह से, बाकी मुझे बीपी की दिक्कत नहीं है बट हाँ जितना मैं स्ट्रेस ले लूँ उसको कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। मैं जैसे ही वहाँ गई, और मेरा भी पुरानी बातें होता है ना कि 5 साल शादी के हो गया तो कुछ बातें तो बतानी पड़ती है, लॉयर को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेरे पुराने लॉयर ने मना कर दिया कि मैं केस नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मान रही थी, वो दूसरी पार्टी से बिक गया था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे मैसेज तो भेजते हैं कि जो भी फैसला होगा तेरे हाथ में होगा, तेरे हाथ में होगा। मैंने बोला गुरुजी कब होगा, इतना टाइम हो गया, 4 साल हो गए कोर्ट केस लड़ते 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 लड़ते, तो गुरुजी ने केस दौड़वा दिया। तो मुझे वहाँ जाते ना चक्कर 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 सर लगे, मेरे को समझ नहीं आया। और मैं ना काश गुरुजी गले में होते थे, झील ना होती हुई तो गुरुजी मेरे गले में, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब अटैक नहीं पड़ा। तो बहुत टाइम बाद, मतलब 4 साल पहले पर अगर गुरुजी साथ नहीं थे पड़ा और कल पड़ा, मतलब वो पहले जो मुझे अटैक पड़ा था वो बहुत सीवियर अटैक था। मतलब ऐसा उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि मरने मराने का डर नहीं होता, बट हाँ वो बहुत घबराने वाला होता है, मुझे चक्कर चक्कर से अजीब से चक्कर आए। फिर मैंने पानी पिया और फिर मैंने दवाई खाई, उसके बाद मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन 5 मिनट के अंदर मैं गाड़ी चला के घर भी आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी बस अच्छा तो आप ही करते हो, जब भी होता है बोलते हैं गुरुजी मंत्र जाप कर, अब वही होता है कि दिल और दिमाग, दिल तो कहता है कि करो पर दिमाग कहता है कि नहीं, क्योंकि दिमाग टूटा हुआ है ना। तो वही है बस, लगता है कि करना तो गुरुजी नहीं है, विश्वास कर, मम्मी भी बोलती है बेटा करना तो उन्होंने ही है, हम क्या कर सकते हैं, विश्वास नहीं भी करेंगे तो भी उन्होंने करना, करेंगे तो भी उन्होंने करना, तो घबराना नहीं है। बस यही सबको बोलूँगी कि ठीक है, हर इंसान डगमगा देता है, मैं तो बहुत ज़्यादा डगमगा जाती हूँ, क्योंकि 4 साल से अकेले बच्चे को पालना, उसके बाद लोगों की बातें सुनना, सोसाइटी की बातें सुनना, रिश्तेदारों की बातें सुनना, इवन घर वाले भी सुना देते हैं, ऐसा नहीं है कि घर वाले नहीं सुना देते, क्योंकि वो भी थक जाते हैं, उनको भी इच्छा नहीं होता कि जवान लड़की घर पर बैठी हुई बच्ची के साथ, बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए भी अपने बच्चे को इस हाल में देखना। फिर मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि जो मेरी संगत को आपने मेरे साथ बुलाया उसका तो काम पहले कर दिया और मुझे अभी भी सता रहे हो, शायद गुरु जी कोई मेरे लिए कौन कौन से कष्ट कितने हल्के में काट रहे हैं। तो बस उनका तो है बोल रहे थे गुरु जी बड़े मंदिर आना, मैंने कहा गुरु जी बड़े मंदिर आऊँगी बट अभी नहीं आऊँगी। एक और भी एक फ्रेंड, उसकी भी वाइफ गुरुजी को बहुत मानती है, तो कहता है गुरुजी को कैसे माने, गुरुजी ने तो, मैं तो उसको इतना प्यार करता था पर गुरुजी ने उसका साथ दिया। अब पता नहीं अब गुरुजी का क्या न्याय है, क्या कर्म है, हम नहीं जानते, हम तो जन्म की बात को जानते हैं ना। बस यही प्रार्थना करेंगे गुरुजी से, अरदास यही कि सबको जल्दी ठीक कर दो गुरुजी, सबके परिवारों में सबकी परेशानियाँ चल रही, क्योंकि बोलते हैं ना जो घर ने देखा वही अच्छा, तो सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, सब थक चुके हैं, एक तो इतनी परेशानियों से मौसम में सा हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने ही करा ना गर्मी का मौसम, हम लोगों ने ही करा पेट फूल काट के, तो हम ही जिम्मेवार हैं इसके। तो बस गुरु जी से यही प्रार्थना है सबको हेल्थ प्लस करो, अच्छी हेल्थ सबकी होगी तो सब नौकरी करने लायक होंगे, अभी अच्छी हेल्थ ही नहीं है तो नौकरी भी कहाँ से करेंगे। बस गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखो, और अपने संग ही अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव दुसरा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से बस।